Hello and welcome back to my YouTube channel, and I'm back with another review video of Maybelline Age Rewind Concealer. हर ब्यूटी ब्लॉगर हर मेकअप आर्टिस्ट इसको यूज़ कर रहा होता था एंड आई वॉज लाइक क्या है इस कंसीलर में जो लोग इतना क्रेजी है इसको लेकर. सो आई थॉट लेट्स ट्राई दिस और मुझे किसी साइट पर ये बहुत अच्छी प्राइस पर मिल रहा था तो आई थॉट और मेरा ही शेड मिल रहा था. यूजली Maybelline के शेड्स ईजिली अवेलेबल नहीं होते, बहुत ही रेयर शेड्स होते हैं जो आपको सूट करें और वो ही अवेलेबल हो. सो मुझे मिला और मैंने एक ही सेकंड में इसको परचेज कर लिया कि कहीं सोल्ड आउट ना हो जाए. सो हेयर आई गॉट दिस वन और ये है इसकी पैकेजिंग. यूजुअली इसकी पैकेजिंग को लेकर लोगों की बहुत कंप्लेंट्स होती हैं. लोग कहते हैं कि इसकी पैकेजिंग बहुत ही वियर्ड है. यूजुअली जैसे एक जो लिड होती है वो ओपन करते हैं उसके बाद जैसे एक लिप ग्लॉस की पैकेजिंग होती है, सेम कंसीलर की मैक्सिमम पैकेजिंग ऐसी होती है. लेकिन ये बहुत यूनिक है एंड पर्सनली आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. इनफैक्ट आई रियली लाइक इट. यूजुअली लोग उसको पसंद नहीं करते, इसकी पैकेजिंग को पसंद नहीं करते, लेकिन इस प्रोडक्ट को लोग बहुत पसंद करते हैं और ये देखकर ही मैंने ये ख़रीदा है. अदरवाइज आई डोंट हैव एनी डार्क सर्कल्स, मुझे कंसीलर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती. लेकिन जस्ट बिकॉज की इसकी इतनी हाइप थी सो आई थॉट लेट्स बाय इट. और प्रोडक्ट 60 ml आता है जो कि फेयर इनफ है. इसकी प्राइस कहीं पर 1800 है, इट्स लाइक अबव 1000. तो ये सेल पर और रेट पर डिपेंड करता है कहाँ पर किस शेड में अवेलेबल है. शेड्स के भी अलग अलग रेट्स होते हैं और ये मुझे ये मेरा शेड है ये है फेयर. और जब मैंने ये लिया तो मुझे लगा कि मेरे स्किन के को लेकर ये अच्छा होगा और मतलब स्किन शेड को लेकर. तो लेकिन इसकी अच्छी बात थी या आई डोंट नो इसको किस वे में ले सकते हैं कि ये अब्सॉर्ब हो के आपकी स्किन का पार्ट बन जाता है, स्किन कलर टोन के अकॉर्डिंग हो जाता है जो कि आई थिंक बेस्ट पार्ट है. लोग कहते हैं कि नहीं आपकी स्किन टोन से एक नंबर ज़्यादा आपका शेड होना चाहिए या एक नंबर डाउन, लाइक डाउन कौन लेगा, लेकिन एक नंबर अप होना चाहिए आपकी स्किन टोन से. तो ये मेरे अकॉर्डिंग जब मैंने लगाया तो ये एक नंबर वो लाइक वन टोन अप ही था मेरी स्किन टोन को लेकर. लेकिन अब्सॉर्ब होने के बाद ये बिल्कुल आपकी स्किन टोन की इक्वल हो जाता है, विच इज़ अ गुड पार्ट. आपकी स्किन ज़्यादा ओवर या आपको ये फील नहीं होता कि आपने बहुत हैवी मेकअप किया हुआ है, आई थिंक विच इज़ अ बेस्टेस्ट पार्ट ऑफ दिस कंसीलर. ओके, ये लिखा हुआ है मल्टीपर्पज़ या मल्टी यूज़ कंसीलर एंड आई गेस मैंने इसको एज अ फाउंडेशन भी यूज़ किया है और ये सेम रिज़ल्ट देता है. बहुत अच्छा अब्जॉर्ब होता है और बहुत अच्छी लाइक नेचुरल वाइब देता है, नेचुरल लुक देता है आपके मेकअप को. और एक दफ़ा मैंने ऐसे ट्राई किया था कि पहले इसको मैंने यूज़ किया, उसके बाद मैंने अपनी जो एक्चुअल फाउंडेशन थी वो यूज़ की, तो फिर तो बहुत ही आला रिज़ल्ट आया था. दैट मीन्स कि बहुत ही आउटलास्ट रिज़ल्ट था. आपकी जो पिगमेंटेशन या स्कार्स थे या मार्क्स थे वो बिल्कुल हाइड हो जाते हैं, यानी यू आर यूजिंग टू फाउंडेशन एट द सेम टाइम और वो फील भी नहीं होता कि आपने दो फाउंडेशन यूज़ की हुई हैं क्योंकि ये इतना नेचुरल. अच्छा, ये जो ऊपर कुशन लगा हुआ है इसका आई थिंक बेस्ट यूजेज यही है कि ये बहुत ही लिमिटेड अमाउंट देता है आपकी स्किन में, ताकि आपकी स्किन जैसे एक बाकी कंसीलर यूज़ करते हैं वो काफ़ी हैवी अमाउंट आपकी स्किन पर लग जाती है. लेकिन इस पैकेजिंग से आई बिलीव कि बहुत ही लिमिटेड अमाउंट आपकी स्किन पर लगती है जो कि बहुत अच्छा लुक देता है, आपकी मेकअप को नेचुरल लुक देता है. जितना कम मेकअप होगा उतना ही नेचुरल लगेगा. सो आई थिंक ये इसकी बेस्ट बात है इस कंसीलर की. और ऑब्वियसली शेड पर डिपेंड करता है, लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो इसका जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा है और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, कवरेज बहुत अच्छी है. सो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई है पर्सनली इस कंसीलर की. सो आई वुड गिव अ बिग थम्स अप, डू ट्राई, रिकमेंड. थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो. बाय.